Hello, good afternoon. Assalamu alaikum, Shashri Akal, Namaste everybody. So it's been 2 days now since the exit poll results have been announced, predictions have been made, BJP has been given a bigger majority than even 2014, and if two or three exit polls hold true, then NDA could even cross 400, which hadn't happened even 2014 mein BJP ko those 282 seats aur NDA ko about 330 plus seats mile thi, lekin is martaba jitne bhi exit polls hain except ABP News aur Nielsen ka jo survey tha, jo so called survey hota hai, tamam logo ne BJP ko ek thumping majority di hai. Republic ne, Times Now ne 300 plus diya hai, जो चाणक्य है उसने 350 प्लस दिया है. आज तक का जो सर्वे है उसके हिसाब से तो मोदी को 367 सीटें मिलेंगी, और डोंट बी सरप्राइज कि अगर ये 400 सीटें भी मिल जाए. ना बुनिया फंडामेंटल ये है कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं इस पे बहुत सारी बहस शुरू हो गई हैं कि इस पे ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे हम बाद में आएंगे. उसके पहले हम आते हैं और हम ये जिक्र करते हैं कि जो मेरा 2 साल से मैं ये उठाता रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उनकी नींदें अब खुली हैं, नहीं खुली हैं ज़्यादा, शायद अच्छी तरह से नहीं खुली हैं, बाद में इनको एहसास होगा. लेकिन मैं 2 साल से कहता आ रहा था कि डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में, सिविलाइज डेमोक्रेसी में, मैंने यूके में देखा है और भी कई जगह पे देखा है कि जिस दिन इलेक्शन होता है काउंटिंग उसी दिन होती है. इलेक्शन आज हो, काउंटिंग 45 दिन के बाद हो, 45 डेज के बाद हो, समझ में बात नहीं आती है. यहाँ पे 7 फेजेस में इलेक्शंस हुए, मान लिया जाए कि चलिए इसकी ज़रूरत थी और 7 फेजेस में हुआ, लेकिन 7वां फेज भी 19 मई को कंक्लूड हो गया. 2 दिन गुजर चुके हैं, 2 दिन अभी और वेट करना है, हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है. और इसी बीच में वीडियोस आ रहे हैं जिससे इलेक्शन कमीशन की जो कार्य प्रणाली और उनकी इंटेग्रिटी पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कहीं सारण से वीडियो आ रहे हैं कि ईवीएम से लदी हुई ट्रक कोर्ट रूम स्ट्रांग रूम के बाहर पकड़ी जाती है. यही चीज़ हरियाणा में भी देखी जाती है, फतेहाबाद में, यही चीज़ आपको अमेठी में भी देखी जाती है, यही चीज़ डुमरियागंज में भी देखी जाती है. तो ये आखिर हो क्या रहा है? आप कहेंगे कि नहीं, इसमें कोई इसमें शक करने की क्या बात है, वो मशीनें नहीं थी जिनको बदलने के लिए लिया जा रहा था. मेरा ये कहना यह है कि जब आप इस तरह के रूम्स डेमोक्रेसी में अगर आप छोड़ेंगे डाउट के लिए, तो शक पैदा होंगी कि अगर 19 तारीख को इलेक्शन हो गया है तो क्या हमारे मुल्क में रिसोर्सेज की कमी है इंडिया में, की वजह से काउंटिंग शुरू नहीं हो पा रहा है? क्या लोग काउंटिंग मशीन जो है ईवीएम मशीन क्या सर पे लेकर के पैदल आ रहे हैं अपने अपने शहरों में, या उन सारे मशीनों को दिल्ली में लेके आया जा रहा है? सब अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में काउंटिंग होनी है, वहां पे मशीनें पहुंच चुकी है, ये 1 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाती है, तो अब तक काउंटिंग क्यों नहीं शुरू हुई है? तो फिर वहां पे ये जो सवाल उठना कि क्या उन मशीनों को बदलने की कोशिश हो रही है, क्या उन मशीनों को पहले ये एग्जिट पोल के नतीजे दिखा देना कि इतनी बड़ी तादाद में हो रही है, बाद में इन मशीनों को का सस्पिशियस तरीके से मूवमेंट होना, क्या दोनों में कोई लिंक है? क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले ऐसी हवा बना दो कि बिल्कुल मोदी लहर है, दूसरी मोदी लहर है, और बाद में ये चोरी छुपे ये तमाम मशीनों के मूवमेंट करके इन तमाम मशीनों को वहां रिप्लेस कर दो? हो सकता है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी हो सकता है. मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहता कि इसमें वाकई सच्चाई हो भी सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन आप शक की बुनियाद ऐसी हो उसके लिए ऐसे रूम क्यों छोड़ रहे हैं? कि मतलब आप 7 हफ्ते क्या काफी नहीं थे कि अब उसमें आपने 4 दिन और ऐड कर दिया और 4 दिन के बाद फिर काउंटिंग शुरू होगी? और दूसरी बात, अब आइए जरा सा हम ईवीएम और इसकी बात करते हैं, एग्जिट पोल की बात करते हैं. एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी की बहुत बड़ी लहर है इंडिया में. हो सकता है लहर होगी, हो सकता है कि मैंने जो इंडिया में घूम करके जो देखा उसमें बिल्कुल गलत है, सच्चाई नहीं है. मेरा सिर्फ आपसे एक बुनियादी सवाल है कि कोई भी सरकार जब सरकार में होती है, कोई भी पार्टी होती है, तो 5 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी का होना लाजमी है. कम हो, उसका लेवल बड़ा हो, लेकिन होना जरूरी है. यहां पे मोदी 5 साल से हैं, इन्होंने बहुत सारी क्वेश्चनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज डिसीजन दिए, इकोनॉमिक डिसीजंस लिए, डीमोनेटाइजेशन हो, GST हो, महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, दीज आर ग्राउंड रियालिटीज. आप ये कह रहे हैं कि इसका जमीन पे कोई असर नहीं पड़ा है.
आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल राम राज जा गया। देखिए, एक ही सूरत में जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं मोदी को, वो नंबर्स एक ही सूरत में मिल सकते हैं कि पिछले 5 साल में इंडिया में बिल्कुल राम राज रहा, यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही हो, यानी लोगों को 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में पहुंच गए हों। जहां तक नौकरी का सवाल है, 2 करोड़ नौकरी तो छोड़िए, रोजाना फेसबुक, गूगल, ट्विटर और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल बीबीसी सब रोजाना इंडियंस को फोन करके कहने कि भाई नौकरी पड़ी है, आकर के नौकरी तो कर लो। ये वो नौकरी के लिए नहीं कह रहे हैं कि आकर के आईटी सेल के 2 रुपए ट्वीट, 2 रुपए पर ट्वीट के लिए नौकरी करो। ये वो उस नौकरी के लिए बुला रहे हैं कि बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की जॉब के लिए अमेरिका और जापान और यूके और इंग्लैंड और कहां कहां बुला रहे हैं ये। अगर ये सारी चीजें होती, या फिर ये होता कि जितने भी जो किसान हैं उनके तमाम कर्जे माफ हो गए हैं, पैदावार की एकदम लड़ी लगी हुई है, इंडिया की जो पैदावार है पूरी दुनिया में इसकी धूम मची हुई है, जहां एमएसपी मिलना चाहिए था 2 रुपया, वहां किसानों को 10 रुपये एमएसपी मिल रही है, ऐसा भी नहीं हुआ है। मतलब ऐसी चीजें सरकाज्म में कटाक्ष के तौर पर बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन नहीं हुआ है वो चीजें। तो ऐसा कैसे है कि यूपी में मोदी लहर के बावजूद 2014 में बीजेपी और अलायंस को 73 सीटें मिली थी, बीजेपी को 71 सीटें मिली थी। ऐसा कैसे है कि 5 साल की सेंटर में एंटी इनकम्बेंसी और 2 साल में योगी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद यूपी में अकॉर्डिंग टू आज तक और भी दूसरे जो सर्वे हैं जो 350 का आंकड़ा दे रहे हैं, यूपी में 66-70 का सीट दे रहे हैं, यानी कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं हुआ है। महाराष्ट्र, अच्छा भाई, तो यूपी में पिछली मरतबा 2014 में कांग्रेस, आरएलडी, बीएसपी, एसपी चारों अलग अलग लड़े थे, उसका फायदा हुआ था, प्लस मोदी लहर थी। इस मरतबा 3 पार्टी इनमें से एक साथ लड़ रही है, आरएलडी, एसपी, बीएसपी एक साथ लड़ रही है, और यूपी में कास्ट को अरिथमेटिक कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप ये कह रहे हैं कि मोदी में ने 5 साल में और योगी ने 2 साल में ऐसा रामराज स्थापित किया कि ये तमाम पार्टियां एक साथ आ भी गई, इसके बावजूद भी मोदी जी को 2014 से ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। दूसरे स्टेट की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में 5 साल से वहां पे बीजेपी की सरकार है, 5 साल से सेंटर में मोदी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद, अच्छा 2014 में वहां पे बीजेपी और शिवसेना को 41 सीटें मिली थी 48 में से, इस मरतबा 5 साल सेंटर, 5 साल स्टेट, इन तमाम के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वहां पे बीजेपी और शिवसेना को हम 44 सीट दे रहे हैं, यानी 3 सीट और ज्यादा। आपको मजाक नहीं लगता ये सब चीज? आपको नहीं लगता कि ये तभी पॉसिबल है कि जब पहले से आपको पता है कि इसको मैनेज कैसे किया जाएगा? वरना आप कह रहे हैं कि वो जितने भी जो वहाँ पे फार्मर मूवमेंट हुए और फार्मर्स लोगों ने जो एजिटेट किया और मराठा मूवमेंट हुआ, वो तमाम चीज़ें कह रहे थे कि वो बस ऐसी था, वो सपोर्ट में आ रहे थे लोग वहाँ बीजेपी के, या बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था। वहाँ सबसे ज़्यादा इंडिया में फार्मर्स की सुसाइड महाराष्ट्र में होती है, लेकिन फिर भी आप वो 3 सीटें ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस और एनसीपी एक साथ लड़ रही है इस मरतबा। राज ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम करके बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? तो बजाय इसके कि एग्जिट पोल पे मैं कुछ कमेंट करूं, मैं आपको ये सामने ही आपको दे रहा हूं कि ये देख लीजिए एग्जिट पोल के जो नंबर्स हैं ये 2014 के मुकाबले में और भी ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है कि यहाँ पे बहुत ही रामराज है। अगर वो नहीं हुआ है, और मैं ये नहीं कहना, अच्छा मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो कहता हो कि मुझे एग्जिट पोल वालों का फोन आया होगा, मुझे नहीं मिला, आपको मिला होगा, आप वीडियो देख रहे हैं, आप में से किसी को मिला होगा तो आप बता दीजिए, तो फिर ये कहां से हो गया? तो ये देखिए, ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है एग्जिट पोल के जरिए। ये 4 दिन का इसीलिए गैप भी मेरे ख्याल में रखा जाता है, वरना कोई जरूरी नहीं है। हमने यूके में देखा, 7 बजे इलेक्शन खत्म होता है, 10 बजे से काउंटिंग शुरू, रात में पूरा रिजल्ट खत्म। लेकिन इंडिया ही जैसा मुल्क है जहां पे ये भाई 45 दिन की जरूरत पड़ती है, और अपोजिशन तो निकम्मी तो है ही है, जिसकी वजह से आज ये हालत हो गई है कि अपोजिशन इतनी निकम्मी तो मैंने अपनी पूरी होश में मैंने नहीं देखा था। जो चीजें लोगों को 2 साल पहले हम कहते आ रहे हैं, 2 साल बाद इनकी नींद खुलती है। अब ये ममता बनर्जी को भी लग रहा है नहीं, ईवीएम के साथ तो प्रॉब्लम हो सकता है, कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है, तो आज वो उन्होंने पूरी 20 पार्टियों की मीटिंग बुला ली थी दिल्ली में, और वो जाकर के कंप्लेन कर रहे हैं। हमें ऑपोजिशन से नहीं लेना देना, हमारा सीधा सवाल इंडिया के डेमोक्रेसी से है कि जिस तरह का मजाक कर रहे हैं ना, मतलब इतने सारे वीडियोस अभी आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि कैसे लोग हाथ पकड़ पकड़ करके इलेक्शन वोट डलवा रहे थे,
इंक लगा दे रहे थे 500 रुपया दे करके लोगों के हाथों पे, ताकि आप जो आपको वोट देने की जरूरत न पड़े, आपके भी आप में वोट पड़ जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश बैठी हुई है। मैंने आज ट्वीट किया अभी, मैंने कहा भाई चलो मान लिया जाए कि आप बहुत ही इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप मुझे ये तो बता दो कि जिन लोगों का नाम वीडियो में लिया गया है सुओ मोटो, आपने एक्शन लेकर के क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको बुक किया है, FIR डाला है, या उनको अरेस्ट किया है? अगर नहीं किया है तो माफ कीजिए, यू हैव जीरो क्रेडिबिलिटी एंड यू आर अ जोक एंड यू हैव मेड इंडियन डेमोक्रेसी अ जोक। थैंक यू वेरी मच।